नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर के अंदर ही पुरानी कलेक्ट्रेट के नजदीक माधवगंज क्रमांक 2 शासकीय स्कूल में छात्र छात्राएं घुटने घुटने पानी में होते हुए स्कूल पहुंचे। ये पहला मौका नहीं जब ऐसे हालात बने हों। पिछले कई सालों से तेज बारिश होने पर ऐसी स्थिति अक्सर बनती है। बच्चे पानी से होकर स्कूल आते हैं तो भयभीत रहते हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षा का कितना विकास हुआ है इस स्कूल को देखकर समझा जा सकता है। अजब मध्य प्रदेश का गजब स्कूल। पानी में से निकल के आ रहे थे तो आपको डर नहीं लगा निकलने में? बहुत डर लगा। तो आपने इसकी शिकायत करी पानी की? हाँ करी। किससे करी थी? प्रिंसिपल। क्या कहा प्रिंसिपल सर ने? उन्होंने कहा इस समस्या का हल करें। पानी में से निकल के आ रही थी ये? हाँ। तो आपको डर नहीं लगता? लगता है, यहाँ पर कीड़े मकोड़े का डर लगता है। फिर आपने सर से शिकायत करी इस बारे में? हमेशा भरता है, ऊपर का रोड का पानी पूरा अंदर आता है, पीछे रेलवे लाइन का भी कोई निकास नहीं है, हर साल भरता है। हर साल सूचना देते हैं अपन, नगर पालिका अधिकारियों को भी देते हैं, अब इसकी समस्या हल हो जाए। आपने शिक्षा विभाग में दी मैम? हाँ मैम। मैम और क्या समस्या आती है? पीछे के स्कूल में ही पानी भरा हुआ, आपको कोई स्कूल बंद है? पीछे क्या ढलान है तो यहाँ का पानी वहाँ जाता है, वहाँ प्राइमरी सेक्शन लगता है हमारा, तो ये पानी बस रेलवे की वजह से ही है। पीछे जो रेलवे की वो नाला नहीं बना है तो उसके कारण। मैं आते से ही सबसे पहले मैंने यही जानकारियाँ ली कि विद्यालय में क्या क्या समस्याएँ हैं, तो प्रभारी मैडम ने मुझे अवगत कराया था कि यहाँ पानी भरता है, और आज वास्तव में ये मैंने देखा भी कि यहाँ पानी भरता है और इसकी निकासी के लिए हम मंथन कर रहे हैं, ये कैसे संभव हो सकता है। तो मेरा ये अनुरोध रहेगा सभी लोग मिलकर ये बच्चों के इसमें समस्या का समाधान खोजें, क्योंकि पानी भरने से बच्चों को कहीं ना कहीं असुविधा तो होती है और हम लोग भी मन में संशंकित रहते हैं। और ये आज जैसे ये पानी भरा हुआ है तो हम बच्चों के सामने खड़े हो गए थे, जिससे बच्चे डरे ना, वो बच्चे साला के अंदर आएँ। तो मैं ये देख रहा हूँ ये विद्यालय काफ़ी पुराना विद्यालय है, इसमें जो हो सकता है बच्चों की मूलभूत सुविधाओं के लिए वो मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। ब्यूरो चीफ विजय रघुवंशी, विद्रोही की रिपोर्ट।